हेलो दोस्तों मैं आज आप सबको विदाउट फाउंडेशन मेकअप करके बताऊंगी देखिए सबसे पहले हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे क्लीन करने के बाद हम सीटीएम करेंगे सीटीएम मतलब पहले क्लीनिंग फिर टोनिंग अब टोनिंग में हम रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं उसके बाद हम फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाएंगे मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हम इसको पाँच मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे मॉइस्चराइजर लगाने के बाद, के बाद क्या होता है हमारा फेस हो गया एकदम तैयार इसके बाद हम सबसे पहले कंसीलर लेंगे अपने अंडर आई जहाँ जहाँ डाके मेरे फेस पे तो मुझे अंडर आई और लिप्स के पास थोड़ा सा मेरा डार्कनेस है तो मैं वहीं पर ही लगाती हूँ हमेशा आपका जो कंसीलर है वो आपके शेड से दो शेड अप होना चाहिए मतलब थोड़ा दो शेड डार्क होना चाहिए हम कंसील कर लेंगे कंसील हमेशा डैपिंग जो हमारा होता है उसको हमेशा थोड़ा सा वेट रखना चाहिए स्पॉन्ज को उसके बाद देखिए जिस तरीके से हुआ है उसके बाद हम फिटमी का क्रीम ले, ले लेंगे उसके बाद फेस पे इसको जगह जगह थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद हम स्पॉन्ज लेंगे स्पॉज से इसको अच्छे से एकदम फेस पे टैपिंग करेंगे टैपिंग मोशन थोड़ा आराम से मैंने थोड़ी वीडियो को तो फास्ट फॉरवर्ड किया है बट आप इसको हल्के हाथों से और धीरे धीरे अपने फेस पे टैपिंग मोशन में करते रहिएगा इसको करने के बाद देखिए फेस मेरा कितना फ्लॉलेस लगने लग गया फाउंडेशन थोड़ा केकी लुक देता है बट फिटमी के कोई से भी सी सी बी वी कोई सा भी क्रीम आप देते हैं आपके फेस के अकॉर्डिंग जो सुटेबल है उसको लगाएं फिर उसके बाद हमने फेसेस कैनेडा का फेस पाउडर लिया था अब सुस ब्यूटी की आईब्रो पैलेट हम पाउडर लगाने के बाद ना उसको लॉक कर लेते हैं अब देखिए आई मेकअप है आई मेकअप में मुझे थोड़ा बोल्ड कलर पसंद है सो so, मैंने थोड़ा डार्क लिया आप चाहे तो आप लाइट भी कर सकते हैं देखिए पहले लाइट था फिर मैंने उसको डार्क कर लिया मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए और लेकिन जब मैंने किया तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था बट अब क्या कर सकते हैं फिर से मुझे क्लीन करना पड़ता है इसलिए मैंने इसको वैसे ही छोड़ दिया फिर मैंने इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी करी मैंने सोचा अंडर आई थोड़ा सा लाइट दे देती हूँ बट कुछ मेरे को वैसा खास दिखा नहीं फिर उसके बाद काजल लगाएंगे काजल लगाने के बाद फिर मैंने मशकारा लगाया एक्चुअली दोस्तों मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है मशकारा लगाने के बाद फिर हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे जो है कंसीलर कंसीलर करने के बाद कंसील करेंगे उसके बाद फिर हम लगाएंगे टच का ब्लश पैलेट एक्चुअली ब्लश एक ऐसी चीज़ है जिसे करते समय हर आदमी स्माइल करता है जितनी भी लड़कियाँ मेकअप में सबसे ज़्यादा स्माइल उन्हें ब्लश में ही करना पड़ता है उसके बाद हम नोज़ को कंट्रोल करेंगे नोज़ को शेप देना अगर आप सबको जानना है तो फिर आप मुझे डीएम कीजिएगा मैं आपको अच्छे से बता दूँगी उसके बाद मैंने हाईलाइट किया है हाईलाइटर पैलेट से सबसे ज़्यादा नोज़ और चीक्स एरिया को किया जाता है इससे आपको मतलब अलग ही लुक मिलती है हाईलाइट करने के बाद फेस को उसके बाद मैं भूल गई थी इसके वो गया था लाइनर ये सबसे फेवरेट चीज़ है मेरा बिना लाइनर के तो मेरा मेकअप होता ही नहीं है और लाइनर क्या है उसको कै, कैसे भी करें कई बार क्या होता है फैल ही जाता है बट मैं लाइनर बहुत आराम से लगाती हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा लाइनर ही पसंद है मुझे तो आते थे लाइनर लगाने की तो इसके दो चार टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अगर कोई बिगनर है तो उसको बता दूँगी मैम मेरी नेक्स्ट वीडियो में तो आप एक बार देखिए कैसा लग रहा है मेरा ये लुक अब वो लिपस्टिक तो रह गई अब लिपस्टिक की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ अब देखिए लिपस्टिक ये मैंने दो शेड से मिक्स करके बनाया है शेड अब हेयर स्टाइल करेंगे क्या मैं थोड़ी सिंपल ही एक्चुअली मुझे सिंपल हेयर बहुत पसंद है और ये हो गया मेरा मेकअप कंप्लीट देखिए कितना फ्लॉलेस लुक आया है विदाउट फाउंडेशन फाउंडेशन थोड़ा सा ठीक कर देता है बट हाँ पार्टी वेयर के लिए बहुत अच्छा है अगर अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट